हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो यार आज आपका भाई देखो कैसा वीआईपी बना हुआ है, फुल काटन के सूट, फुल नहा धो के फुल मजे में फिट फाट घूम रहा है। ठीक है, हाँ जी कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? छोड़ो इनका यार, ही आते रहता है। आज का सीन आपको बताते हैं कि आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं दरबार पर। सही है, जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में दरबार दिखाया था उधर जाएंगे, उधर हम म्यूजियम आपको दिखाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद चलेंगे इंडस क्वीन बैरी जहाज, एक पड़ा हुआ है। दरिया का पानी खत्म हो गया था, तो वो दरिया का पानी खत्म हो गया तो वो जहाज वहीं का वहीं रह गया। तो आज उस जहाज को भी चल के देखते हैं, बहुत पुराना जहाज है वो। ठीक है, बहुत पुराना जहाज है, उस जहाज की भी आपको हिस्ट्री बताते हैं और आपको म्यूजियम की भी हिस्ट्री बताते हैं। तो बस चलते हैं। आज हमारे साथ तलहा भी होगा, उसामा भाई भी होंगे, अदनान भी होगा, इंतजार भी होगा और एक तौसीफ भाई होंगे। तौसीफ भाई से भी हम आपको मिलवाएंगे, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। ठीक है भाई, तलहा ने हमें ज्वाइन कर लिया। क्या हाल है तलहा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई शुक्र है, फाइनली सारे के सारे रेडी हो गए। अच्छा उसामा भाई का नाम हर जगह आ जाता है। तो भाई उसामा भाई सेलिब्रिटी है हमारे, तलहा भी रेडी है। आ जा भाई आशिक, एक तो ये आशिक को जहाँ देखो इसके कान पे फूल लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। भाई मौलवी भी चल रहा क्या? किसके ये भाई मौलवी साहब हमारे आ गए। भाई आप सबसे गुजारिश है कि मौलवी साहब की होने वाली है दो हफ्ते बाद शादी, तो इनको थोड़ी दुआएं शुआएं दें, इनको बहुत जरूरत है। पागल हो गए हो क्या? अभी तीन हफ्ते पड़े हैं उसकी शादी को, सुबह से दो हफ्ते कह रहा था। अच्छा शादी इसकी है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उसे बार बार जितला रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई तेरी शादी है, खुश हो जा। असल में इसे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई मेरी शादी हो रही है। शादी है, शादी है, शादी है, शादी हो गई कि तो फोत की हो गई। अरे यार उसामा भाई क्या होगा आपका? मौलवी नहीं जाता घर, मौलवी कहते मुझे हॉस्टल में मजा आ रहा है। अच्छा भाई हम आ गए हैं एटीएम पे, ये चिट्टे कोड़े पा रही हो। अच्छा भाई ये तौसीफ भाई है हमारे, ये भी मिल में ही होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं ये, और बहुत काबिल है, बहुत काबिल है ये। दूसरे वासी के ये सही है, दूसरे वासी के बहुत बहुत मेहनती इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है और बहुत दिल लगा के काम करते हैं ये। बहुत ज्यादा यार, आज हमारा दिन है समझो। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, अल्लाह पाक की रहमत। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की आपने हाजिरी दी है। हम मोहम्मद आबिद फरीद आपको वेलकम करते हैं, तमाम दोस्त अहबाब। ये जो है ना कितना कीमती हाथ लगा के देख रहे, इतना कहीं आपने नहीं देखा होगा मिंबर इतना अच्छा और मजबूत, चन्योट से बनकर आया है ये। हाँ, इसके ऊपर खदीजा बैठता है जहाँ तकलीफ करता है। साहब पीर भाई दरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक पाकिस्तान। वीडियो पढ़ो उसी, दरूद पाक पढ़े भैया, दरूद पाक पढ़े। ये है सुल्तान राजपूत हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद सही हर आरज़ू मेरे मौला करीम पूरी कर दे, जो दिल दिया मौला दे पूरी कर दे। अदनान शबीर साहब हमारे सामने है, मेरा मौला करीम
रब्बुल इज्जत आलमीन ये हाफिज़े कुरान है, इनकी जो दिल की आरज़ू है अल्लाह सिया इसकी आरज़ू पूरी कर दे। मेरे मौला करीम इन्हें कोई दुख से कोई तकलीफ ना दे। अल्लाह सिया सरदार हसीब खान दरी शख्स है, अल्लाह सिया इन्हें दिल दे आरज़ू जो भी है मेरा मौला करीम पूरा कर दे। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रहमान रहीम। अल्लाह सिया जो भी दिल दे आरज़ू मेरा मौला करीम पूरा कर दे। अल्लाह सिया ताल्लुक रखते थे, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, यह है उनकी ओरिजिनल तस्वीर जब वो कैमरा इजाद हुआ था, इनके वाले इजाद नहीं हुआ था, 130 साल हुए ज्यादा सही बात। यह उनके है बेटा हजरत ख्वाजा नाज़िम करीम से जो भी सवाल ही आया करता था, ख्वाजा साहब मेरा ये काम कर दीजिए, कहते थे ये हो गया और बताए। और उनका है ये नवासा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन सही, ये है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन सही जो जहर दी गई थी जिनको, इनका बहुत बड़ा मुकाम था। अगर ये होते अरबा और खरबापति जितना भी मुल्क के दुनिया के नवाब है, नवाबों के नवाब होते, ये इतना रतबे है इनका, पाकिस्तान के हर कोने में रतबा है, कोट कचहरी शहर में तो काफी है, यहाँ आके इन्होंने शहर आबाद किया है। ये थे उनके, इनकी जो बहने थी बिरादरिल्लाह ख्वाजा अहमद अली से, ये जो इनने देखा हुआ इनके दादा जान ने, इनके अब्बा जान ने, मैंने भी देखा है, ये बहुत अल्लाह के वली थे, वक्त के वली थे। उनका बड़ा साहबजादा ख्वाजा निजामुद्दीन सी जो मेरे मुर्शिद और मेरे आका है, जिनके पास मैं 30 साल रहा हूँ, आज जो कुछ हो रहा है आपके सामने इनकी वजह से। इनका जो बेटा है ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब से सज्जाद अली साहब, ये है बाकी तबरुकात में। अक्सर जो हमारी इस वीडियो में जो भी हमारी चीज़ें पड़ी हुई ना इधर, जो भी चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जो ख्वाजा साहब के हमेशा इस्तेमाल में रही हैं, वो ये है कि कुछ और इलाके में थी, कुछ और इलाके में थी, जिन जिन के पास ही वो ऐसा ऐसा इधर, जब इन्होंने ये लाइब्रेरी इधर इन्होंने बनाई है ना, आज इन्होंने गिफ्ट की है कि आप सारी कलेक्शन आप एक ही जगह पर रख लें। ये सारी जो फ्रेम नज़र आ रही है ख्वाजा साहब की कुछ इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो उनके नवासों के पास, उनके पोतों के पास, उनके पोते के पास, उनके बेटों के पास, उनके पास जो इस्तेमाल हुई है ना, ये वो चीज़ें रखी हुई हैं बेसिकली। ये सऊदी अरब से ये लाई थी, आपको मालूम है जो लोग जैसे आप आए हैं ये विजिट कर रहे हैं, ये फारसी में है, ये सिर्फ फारसी वाला पढ़ सकता है। जाफर खान लिगारी की वाइफ वो ईरान की है, जबान ईरान की फारसी है, ये आला और अफजल किताबी है। ये फारूक लिगारी जब सदर था सज्जादन शी ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब के साथ ये यहाँ का विजिट कर रहे हैं। जब शादी हुई थी तो वो वहां बैठे थे, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बरात इसके ऊपर नहीं थी, सिर्फ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। के परदादा हैं वो बहुत अजीम हस्ती थे, नवाबों के नवाब थे, चीफ घर के ये अफराद हैं, अल्लाह ताला ने जो वक्त भी दिया है अच्छा दिया है। कुछ यार अभी हम यहाँ से निकल गए दरबार से, और दोस्ती भाई हमारे साथ हमारे आबिद कुरैशी साहब ने हमारा बड़ा साथ दिया है, इनकी बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों की भी मेहरबानी है, आप इधर तशरीफ ले हैं। देखिए ज़ियारत का शर्फ हर किसी को नसीब नहीं होता, ये एक ऐसे समझिए कि एक शर्फ होता है जो इंसान को नवाजा जाता है, जिससे ये ख्वाजा साहब ने आपको बुलाया है अपने दरगाह दरबार के ऊपर हाजिरी के लिए आपको बुलाया है, और साथ में हमारी मुलाकात हुई है हमारी आबिद कुरैशी साहब ने। आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। सर ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपको यहाँ बुलाया है। अच्छा यार अभी हम लोग आ गए गाड़ी में, दरबार से लोग निकल गए थे, ये लोग सामने इंतजार कर रहे हैं, क्या नाम है तलहा और मैं इधर गाड़ी में हम आ गए, अभी बिरयानी बिरयानी का ऑर्डर दिया तौसीफ भाई ने, तो बिरयानी उठाते हैं और इन लोगों को उठाते हैं बिठाते हैं और फिर निकलते हैं।
इंडस कोई तो भाई ये है इंडस क्वीन। गिफ्ट किया था नवाब बहावलपुर नवाब सादे खान ने हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को, जो कि उनके खास मुरीदों में भी शुमार होता है उनका, नवाब सादिक का। सही है। हाँ, ये उन्होंने फ़ाया साहब को बतौर तोहफा दिया था। अब यहाँ की अगर हम बात करें ना, इस जगह ये जो आप सारा एरिया देख रहे हैं ना, पहले अगर 5 से 6 साल आप पीछे चले जाएँ, कम अज़ कम हाँ 5 से 6 साल पीछे चले जाएँ ना, यहाँ सारा का सारा पानी होता था। जब से ये बेनज़ीर ब्रिज बनी है, इधर से ज़ाहिरपुर से ले कर कोट में गंदा गया, अलहमदिल्ला यहाँ पर फिर दरिया वो सारा एक ही जगह इकट्ठा हो गया, फिर इधर माशाल्लाह रकबे सारे आबाद हो गए। अभी चल चल मौलवी, चल 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 मौलवी, मौलवी चल 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 भाई। आज इंजन दिखाऊंगा उसके बाद। छोड़ो यार, ब्लॉगिंग के लिए नस्ले को छोड़ दे। ये मेन इसका इंजन है, जो ये वाले हैं। वैसे आपस की बात है, अगर यही जहाज कराची में खड़ा होता ना, यकीन हो तो क्या पूरा जहाज ही गायब होता। यार इधर क्रैशिंग ने बहुत ही वो कर दिया। पहली मुझे नज़ला मेरी नाक में क्रैशिंग घुस गई ना, 7 दिन से मुझे नज़ला है। मज़ीद अगर घुस गई तो फिर मुझे छोड़ दो, फिर 2 महीने तक मुझे नज़ला ही रहेगा। यार अब दोबारा हम नीचे जा रहे हैं, यही काम रह गया हमारा, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। एक तो मौलवी की टांगें वैसे ही छोटी हैं, उसको बार बार ऊपर नीचे चढ़ा चढ़ा के हमने मज़ीद टांगें छोटी कर दी उसकी। ओ, ये क्या सबने ऐसे ही जाना है क्या? हाँ, आप चढ़ जाएंगे भाई? देख भाई, बस देख। आप जा सकते तो मैं सब जा सकता हूँ। समझ क्या कर रहे हैं ये? चढ़ गए बस, जब तौसीफ भाई जा सकते तो फिर हम भी जा सकते हैं। चले चले मैं आऊँ। चले छोटी सी पट्टी है, टूट रही है। मजेदार, बच गया। ये वैसे ना, ये इधर मस्जिद के तौर पे तसव्वुर किया जाता है, यहाँ पे पड़ता है इसी जगह को, इसी जगह को। गवर्नमेंट हल की मशहूर। अच्छा, वो भी इसी में आती है? यार वो इसी में नहीं आती, वो जो सामने खड़ी वो एक भाई अलहदा है, वो एक अलहदा है, तो वो एक अलहदा जहाज है। उसका नाम तो हमें कोई नहीं पता, ना ही हिस्ट्री में उसका कोई हुआ, लेकिन ये है कि इसे बस इंडस क्वीन के नाम से जाना जाता है। और ये जो सामने टूटी भी पड़ी हुई है, ये वैसे कश्ती जैसे स्पोर्ट के लिए होती है ना, 2 कश्तियाँ होती है, जब एक जहाज बाहर निकलता है तो साथ में वो स्पोर्ट के लिए 2 कश्तियाँ भी होती है ना, ये वही 2 कश्तियाँ, एक वो है कि साथ में पड़ी हुई है। सही, बाकी बाकी सारा इधर गांव वाला माहौल है। गाँव बाकी सामने ये है, जो पहले दरिया बोलते थे ना, वो यहाँ से गुजरता था, ये इधर से होके ये इधर से जाता था इस तरह। अब यहाँ दरिया नामो निशान ही खत्म हो गए, बाकी जो पानी ठहरा हुआ है वो ठहरा हुआ है सेम वाला, मतलब आप देखो बिल्कुल खत्म हो गए। बाकी आते तो है लोग, आते जाते तो हैं, क्योंकि यहाँ पर जमीन है, लोगों के घर है, लोगों ने घर आबाद किए हुए हैं। बाकी यहाँ पर पहले जब फ्लड आता था तो मतलब उधर तक पानी आ जाता था, अब भी होता तो इस तरह है क्योंकि दरिया है, दरिया। ये जो वहाँ साइड पे वो पत्थर लगाए हैं ताकि बंद को मजबूत कर लें आप, जो आपकी दीवार है ना, जो आपकी बंद साइड वाली दीवार है वो आपकी मजबूत हो, पानी अगर आपको टकराव भी करे या वो कहते हैं चढ़ाई भी करे ना, वो आगे उसे कोई फर्क ना पड़े, ये इसीलिए रखे गए ये पत्थर। हम यहाँ से फ्री हो गए, इतनी गंदी क्रैशिंग है कि हमारे बाल मुँह सारा इग्नोर करिएगा, क्योंकि पूरे मुंह बालों की हालत टाइट हो चुकी है हमारे। चलो अंदर हो, कश्ती तो लो, कश्ती तो लो, ऊपर ली साइड जा रहा है बेड़ी।
चलो ना यार आओ ना तुम लोग, ये आधा आधा घंटा एक जगह पे खड़े होते हो तुम लोग सारे के सारे। हाँ हाँ भाई, डर सबको लगता है। हाँ कश्ती में जाएंगे भाई आप, ड्यू पियो, डर से डर को भगा दो। डर के आगे जीत है भाई। अभी बॉस क्या कहते हैं, अभी उसको देख लो, उसकी शादी होने वाली है, वो फिर भी जा रहा है कश्ती में। नहीं भाई, हमने नहीं जाना। भाई डर हो गया। मेरी बात सुन। चलो आप तसल्ली से बैठो, जब हो जाओ, एंजॉय करो। नहीं एंजॉय नहीं, मैं इधर आपका वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं आ जाओ, सही बात है यार, आ जाओ बैठ जाओ। ओए हंसी बात तो सुन यार, यकीन मान मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। नहीं, हमारा आज सफर शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं कोर्ट मिठन टू इस्लामाबाद, और ये सारे के सारे तैयार हो गए। ये पाकिस्तान के फौजी तैयार हो गए, जंग लड़ने जा रहे हम लोग। यार तौसी भाई ये तो पूछा यार, आपने तो जैकेट भी पहनी हुई है, आप एम ही डर रहे हो। चलो यार ये यादगार दिन है, कुछ उल्टा सीधा करो। क्या हो गया, तस्वीरें लेने आए हो क्या यहाँ पे? ये मेरा भाई आ रहा है, मजा उनसे पूछो, वो देखो वो फुल मेरे घर वालों को इत्तला दे दिया। मजा आ रहा है? नहीं ठीक है, तौसी भाई लगा रही भाई, डर तो नहीं लग रहा? नहीं। मौलवी तैरना आता है? जैकेट तो पहने, एक डुबकी मार के दिखा, जरूरत पड़ जाए फिर अगर तूने डुबकी लगा दी 10 लाख रुपया, डुबकी लगा ले 10 लाख की ऑफर है। 10 लाख दे रहा हूँ बच्ची, तो 10 लाख बचेगा तो मेरे। यार ये कुछ भी नहीं है भाई, किसी दिन आप टाइम निकाल के हमारे हॉक्स पे आओ, आपको करवाए फिर हम यहाँ की। अच्छा भाई हमारा सफर होता है यहाँ पे खत्म। अच्छा ये कॉल पे बात कर रहे हैं, मुझे लगा मुझे कह रहे हैं। अच्छा यार मैं तो कहता हूँ मजा तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, थोड़ा एक और हो जा रहा है, एक और चक्कर हो गया। यार ये तो इतनी जल्दी खत्म हो गया, यहाँ से पूरा इतनी दूर लग रहा है, कश्ती भी गई इतनी जल्दी, पुल आ गया। बैड सीन है यार, जजीरे पे जजीरे पे चलो यार, जजीरे पे टेंट लगाते हैं और लिखते हैं मौलवी वेडिंग, मौलवी वेडिंग। मौलवी अपनी होने वाली बेगम को रिपोर्ट दे रहा है कि दरिया से मैं वापस सलामत आ गया। अच्छा भाई ये था हमारा आज का व्लॉग, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने हॉस्टल पे पहुंच चुके हैं, और बस आज के व्लॉग हमारा यहीं तक था, तो हम करते हैं आज व्लॉग को एंड। तो सारे अपने अपने घर जा चुके हैं, कमरे में जा चुके हैं, तो हम भी अपने कमरे अपने हॉस्टल में आ गए और बस सोते हैं यहाँ पे आके। चैट तो सारी गल रहे थे सभी व्लॉग के अंदर, अच्छा था या नहीं था। बाकी अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर, और आपसे मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Upon you like a jansi, deta asraat manfi, tujhme dar hai, I can sense it.